बुंदेलखंड का पानी, बुंदेलखंड की मिट्टी और बुंदेलखंड का राजनीतिक मिजाज हमेशा से अलग होता है, और यहाँ पर चाय पर चर्चा करनी इन तमाम चेहरों के साथ इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि चाय पर चर्चा पे बड़ी ईमानदारी होती है। साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा, और वो इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा ना कि चाय पर चर्चा बड़ी ईमानदार होती है, इंसान कहीं झूठ बोल ले चाय पर झूठ बोलता नहीं। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कोई रिजेक्ट है, कोई एक्सेप्टेड है, सब चाय के दौरान ही आप लोग साफ कर देते हैं कि किसको फेल किया किसको पास किया। पहले चरण का मतदान भले ही पश्चिम में चल रहा हो, बुंदेलखंड तय हो चुका है क्या? नहीं अभी तो तय नहीं हुआ, मतदाता बता नहीं रहा किसी को किसको वोट देना है। मतदाता आप भी हैं, आप भी नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, ये है थोड़ा सा नाम, हम तो नोएडा से निकले हैं, थोड़ा ये समझाइए बुंदेलखंड का मिजाज, जालौन का मिजाज, इस लोकसभा का मिजाज, कौन सा मुद्दा यहाँ हावी है, प्रभावी है, क्या बात, क्या समीकरण चल रहा है? यहाँ हरजन सीट हो रहे हैं, कोई मुद्दा हावी नहीं, ये है बस मन की बात है, जो जो जहाँ चाहे वोट दिया है। फिर आप मन की बात बोलेंगे, लोग इशारा वहाँ एक तरफ समझेंगे। इतनी अच्छी मुस्कुराहट, हमने कहा आप मन की बात करके इशारा कर रहे हैं मोदी की तरफ, आपके हिस्से का इशारा भी बता देते। हमारा इशारा तो क्या है, हम लोग तो बिजनेसमैन आदमी है, हम लोग तो साइलेंट रहते हैं। हमारे यहाँ तो दुकान पे सभी तरह की सभी पार्टियों का सभी नेताओं का आना जाना रहता है, क्योंकि ये चाय का जो है अड्डा है यहाँ, मोहन चाय के नाम से जो दुकान चल रही है, तो हमारे यहाँ सभी लोग आते जाते हैं, इसलिए हम लोग साइलेंट रहते हैं। नहीं, हम भी इसीलिए चाय पर पहुंचे क्योंकि चाय की चुस्कियां आप लेते रहे, चाय पर ईमानदार होता है आदमी, कहीं झूठ बोल ले। नहीं, ये सुबह सुबह जो आप लोग जो भी बोल रहे हैं सिर्फ ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। और जो आपने कहा ना अड्डा है, तो यहाँ आप लोग तय भी बहुत कुछ कर लेते हैं। चलिए मत बताइए सियासत, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा हम जैसों के लिए, जालौन बुंदेलखंड यहाँ के मुद्दे, यहाँ की समस्याएं, यहाँ का अच्छा यहाँ का बुरा, वो थोड़ा समझा दीजिए। समस्याएं तो ये है कि हम चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपए जुर्माना, अगर हमारे पास पॉल्यूशन नहीं है इतना जुर्माना, लेकिन यदि सड़क पर गड्ढे हैं तो किस पर जुर्माना, यदि रोड खराब है बिजली सही नहीं आ रही बिजली के तार टूटे पड़े हैं उस पर उसके लिए किस पे जुर्माना है, कोई जुर्माना नहीं है, सारी जिम्मेदारी पब्लिक की है, पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप आज कंप्लेंट करेंगे तो परसों आपकी सुनवाई होगी, अभी आपकी बिजली खराब हो जाए परसों सुनवाई होगी, यहाँ पावर हाउस में फोन नहीं उठेगा, लाइनमैन फोन नहीं उठाएगा, आपको दक्षिणांचल जाके वहां फोन करना पड़ेगा, तब वहां से जब यहाँ आएगा कॉल तो 3 दिन लग जाएंगे। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी एक समस्या और है कि हमारे यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का खनिज होता है, पूरे देश में जाता है अरबों रुपए का खनिज, लेकिन उसका 10% भी गवर्नमेंट हमारे रोडों पर नहीं लगाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।